बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व्यूवर्स। कैंट स्टेशन पे बहुत अरसे बाद मैंने ये ट्रैक प्लेटफार्मों के दरमियान जो है बहुत साफ़ देखा, वरना जब कभी भी मैं यहाँ आया यहाँ प्लास्टिक शॉपिंग बैग उड़ते हुए नज़र आते। व्यूवर्स, जब ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई थी तो उसके बाद 7 अप 8 डाउन को जब रिस्टोर किया गया तो वो अपनी असल कंपोजिशन में नहीं थी। आपको याद होगा उसे एसी स्लीपर के बगैर ही रवाना किया गया था। और फिर 3 फरवरी को पाकिस्तान रेलवे ने एसी स्लीपर जो है 7 अप 8 डाउन के साथ अटैच कर दिया। 3 फरवरी को पहले दिन 7 अप के साथ जो स्लीपर रवाना किया गया वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, उसका कंप्लीट रिव्यू आप देखेंगे इस वीडियो में। और फिर 4 फरवरी को 6 डाउन के साथ जो स्लीपर आया वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। तो 7 अप 8 डाउन में जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो ये दोनों किस्म के एसी स्लीपर कोचेज़ आपको जो है मिल सकती हैं। पाकिस्तान रेलवे में सफ़र करने के लिए कोई भी ट्रेन हो ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पच्चीस तीस साल से जब भी मैं 7 अप को देख रहा हूँ तो ये हमेशा कैंट स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही रवाना होती है। आए व्यूअर्स, एसी स्लीपर कोच 7 अप तेजगाम का रिव्यू करते हैं, मगर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। एसी स्लीपर कोच तो पुरानी थी सीएफआई, मगर मुझे बड़ी अच्छी लगी, रिफर्बिश्ड अंदर बाहर से बहुत अच्छी तरह से इसे रिन्यू किया गया था। व्यूअर्स, ये जो कोच आप देख रहे हैं इसमें टोटल 6 रूम थे, जिसमें 3 जो हैं वो 2 अफराद के लिए और 3 4 अफराद के लिए। तो आए पहले 4 पर्सन रूम देखते हैं। आज फर्स्ट डे था 7 अप के साथ एसी स्लीपर को अटैच किया गया था, चूँकि ये रिफर्बिश्ड था तो सब कुछ अच्छा लग रहा था। वॉशरूम में लोटे टूटियाँ सब कुछ नया था, जबकि पंखे भी नए लगाए गए थे। लाइट फैन और मोबाइल चार्जर सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। और पहले ही दिन ये देखने में आया कि 6 रूम जो थे तमाम जो है वो रिज़र्व थे। व्यूअर्स, जी आप 2 पर्सन रूम देख रहे हैं, जो कि 2 कोच के शुरू में ही थे और 1 लास्ट में था, और दरमियान में जो है वो 4 पर्सन रूम थे। इन 3 कमरों में लाइटिंग, फैन और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट सब अवेलेबल थे। व्यूअर्स, आप रिव्यू भी कर रहे हैं कोच को और मैं आपके साथ फेयर भी शेयर करता हूँ। 1 पर्सन फ्रॉम कराची टू लाहौर, 10 से लेके 65 साल तक के अफराद का फेयर है 9,200 रुपये, जबकि बच्चों का 3 से 10 साल के जो है उनका 4,600 रुपये, और जिन अफराद की उम्र 65 साल से ज़्यादा है वो 6,950। सीनियर सिटीज़न की ऑनलाइन जो है रिजर्वेशन हासिल करने के लिए आपको पहले से कैंट स्टेशन या लाहौर स्टेशन पे NIC के साथ उनके डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। अगर आपने ऑनलाइन की सहूलत हासिल करने के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए तो आपको फिर स्टेशन से ही सहूलत मिल सकती है कंसेशन की। ये हैं व्यूअर्स 1 पर्सन एसी स्लीपर फेयर फ्रॉम कराची टू रावलपिंडी, 10 से 65 साल के अफराद के लिए 10,800 रुपये, जबकि बच्चों का 3 से 10 साल के लिए 5,400, और 65 से अबव जो है सीनियर सिटीज़न है उनका 8,100 रुपये, जबकि 3 साल से कम बच्चों का फेयर जो है वो चार्ज नहीं किया जाता।
रिसेंटली पाकिस्तान रेलवे ने 8% फेयर इंक्रीज़ किए थे, जबकि अभी 15 फरवरी की रात से दोबारा डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। तो देखना ये है कि ये फेयर कब तक बरकरार रहते हैं। व्यूअर्स, 4 फरवरी को एट डाउन जो कराची पहुंची, उसमें ये सीएनआर स्लीपर कोच लगी हुई थी। तो आए व्यूअर्स, 7 अप का डिपार्चर देखते हैं फ्रॉम कराची कैंट स्टेशन। लोकोमोटिव GU4904 अटैच किया गया था और इसका विसल इंतहाई पावरफुल। सेवन अप तेजगाम कराची कैंट स्टेशन से डेली प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शाम 5:30 बजे रवाना होती है और 25 घंटे 25 मिनट ट्रेवल करने के बाद नेक्स्ट डे 6:55 पे शाम को रावलपिंडी पहुंचती है। और इसी तरह से 8 डाउन तेजगाम रावलपिंडी से सुबह 8 बजे रवाना होती है कराची के लिए और तकरीबन 26 घंटे 10 मिनट ट्रेवल करने के बाद अगले दिन सुबह 10:10 पर कराची पहुँचती है। व्यूअर, 7 अप 8 डाउन तेजगाम का कंप्लीट ट्रेन रिव्यू भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें फेयर जो है वो आपको पुराने वाले ही मिलेंगे और तमाम क्लासेस के कमेंट्स में मैं आपको फेयर भी बता दूंगा। व्यूअर्स, अगर आपको ये एसी स्लीपर रिव्यू और तेजगाम का डिपार्चर व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ आपको मिल सकें।